तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो, ये एक अच्छा सा सवाल है। इसको करते हैं कि ये अपने पास टू पुल राइट्स है, दो पुल राइट्स हैं, और ये दोनों जो पुल राइट्स हैं प्यारे बच्चों, वो पुल राइट्स जो है, टू पुल राइट्स P1 एंड P2 आर प्लेस एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक ना। मतलब P1 एंड P2, अनपुल राइट आई इंसिडेंट ऑन P1 एंड थर्ड केप्ट बिटवीन P1 एंड P2 such that axis make 45 degree with P1, the intensity transmitted through the P2. तो देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझो, P1 और P2 दो पोलराइज है, such that axis perpendicular to each other. मतलब ये अपना जो पोलराइज है वो P1 है, ठीक है, इसको मैं P1 मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इससे परपेंडिकुलर, ये इसकी एक्सिस है, तो इससे परपेंडिकुलर यहाँ पर ये P2 है, दिस इज द P2, ये अपना पोलराइज P2 है, such that axis perpendicular to each other. मतलब इसकी जो एक्सिस है ये इसी पे आ जाएगी, डॉट 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 इसी पे आ जाएगी, ठीक है, 90 डिग्री है तो ये इसी लाइन पे आ जाएगी, थीटा इनके बीच का, इसकी ये हॉरिजेंटल वाली लाइन P2 की एक्सिस है और P1 की एक्सिस डॉट 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 वर्टिकल आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, जिससे ये एंगल थीटा इनके बीच का 90 है, दोनों एक्सिस के बीच का। बात समझ में आ गया। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें अब एक थर्ड पोलराइड P3 आया, अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन, इस पे P0 पड़ा है लाइट। अब ये थर्ड पोलराइड P3 केप्ट बिटवीन पी एन सर दैट 45 डिग्री विथ P1, मतलब P1 के साथ, यहाँ पे P1 के साथ एक 45 डिग्री पर हमने एक थर्ड पोलराइज P3 रख दिया, जो कि इसकी एक्सिस कुछ ऐसे है। बात समझ में आ रही है, ऐसे सीधी लाइन जा रही है, ये एंगल 45 डिग्री, हाउ मच दिस एंगल, दिस एंगल इज 45 डिग्री, ठीक है, तो ये एंगल अपना 45 यहाँ से बना रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं थिकनेस इसका बढ़ा लेता हूँ प्यारे बच्चों, हाँ, तो ये यहाँ से ये वाली जो है वो 45 डिग्री है, तो अगर ये 45 है तो ये इन दोनों के बीच का एक्सिस का एंगल ये भी 45 ही होगा, तो यहाँ से जो अनपोलराइज लाइट आई थी, समझना, अनपोलराइज लाइट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बिंदी लगा के, एरो लगा के, ओ आई नॉट थी, तो P1 और P3 के बीच मैं इंटेंसिटी I1 मान लेता हूँ, P3 और P2 के बीच मैं यहाँ से मान लेता हूँ I2 मान लेता हूँ, और जो यहाँ पे निकली है P2 के बाद उसको मैं I3 मान लेता हूँ, तो फाइनली मुझे वैल्यू निकालना है I3 की। तो आप मेलस लॉ पढ़े होगे कि ये किसी पोलराइजर से, आप मेलस लॉ पढ़े होगे कि किसी पोलराइजर से जो इंटेंसिटी पास होती है आई डैश, तो उस पे इंसिडेंट होने वाली इंटेंसिटी और उनके बीच एक्सिस के बीच का एंगल के स्क्वायर के बराबर होती है। आई डैश इज इक्वल टू आई आई कॉस स्क्वायर थीटा। आई क्या है, देखो पहले एक समझ लो कि अगर ये अपने पास पोलराइजर है, ठीक है, दिस इज द पोलराइजर, अगर ये पोलराइजर है, इस पे इंटेंसिटी यहाँ से आई पड़ी, तो यहाँ से जो आई डैश पड़ेगी, अब यहाँ पे ये कोई पोलराइजर है, इसके बीच का एंगल, ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो आई जो है इस पे पड़ने, इस वाले पे, ठीक है, इस वाले जो डी पेलो बना रहा हूँ, इस पे पड़ने वाली इंटेंसिटी कितनी है आई, बाहर कितनी जा रही है इससे आई डैश, तो ये रिलेशन देगा। बात समझ में आया। तो सबसे पहले मैं I1 निकालता हूँ, तो अगर मैं I1 निकालूँ तो मुझे डायरेक्ट रिजल्ट याद है कि I1 की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि यहाँ से जो वही लाइट रे पास होती है जो एक्सिस के पैरेलल है, तो 50% यहीं ऑब्जर्व हो जाती है, तो I1 इज इक्वल टू I0/2 आ जाता है, जो कि हमें डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें याद है, ठीक है। तो I2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं फार्मूला लगा दूंगा, I2 की वैल्यू निकालने के लिए मैं फार्मूला लगा दूंगा I1 और यहाँ से इन दोनों के बीच का एक्सिस कॉस स्क्वायर 45। I1 P2 पे पड़ने वाली है, तो I1 की वैल्यू अभी निकाले हो I0/2 और कॉस 45 1/√2 का होल का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा I0/4 यहाँ से 4 की वैल्यू के इक्वल आ जाए, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से अब आई थ्री है उस पे, वो जो I3 है वो कितनी होगी, तो I3 की वैल्यू अगर तुम यहाँ से देखोगे तो I3 की वैल्यू आ जाएगी I2 यहाँ से और कॉस स्क्वायर 45, मतलब ये वाली एक्सिस, दिस एक्सिस और ये वाली एक्सिस, इनके बीच भी एंगल कितना होगा,
45 होगा, क्योंकि वर्टिकल से ये, इससे ये एंगल 45 है, तो ये भी तो 45 होगा यार। तो आई थ्री की जो वैल्यू यहाँ से पूछ रहा है उसको तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क इसमें किया हूँ बच्चों तुम्हारे लिए। आई टू कॉस स्क्वायर यहाँ से 45, ठीक है, तो आई टू तो तुम पहले ही निकाल सकते हो, आई नॉट बाई फोर है, और कॉस 45 बाई 1 बाई रूट टू का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से आई नॉट अपन 8 जो है वो आई थ्री की वैल्यू यहाँ से दिखने लगेगी। तो इस लॉजिक से अपना जो बी ऑप्शन है वो अपना सही बैठ जाता है। थैंक यू।